नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम जो पेपर सॉल्व करेंगे वो चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए जो मैट्रिक्स लेवल 7 का है और 46 पे ग्रेड का है, जो 20% एलडीसी कोटा का है। ये 13 3 को ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए, इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन पे है। उससे पहले मैं आपसे एक नम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं, कोविड के जो प्रिकॉशन के रूल्स हैं या उनके जो एसओपी हैं उनको फॉलो करते रहिए और अपने मास्क और सैनिटाइजर की जो यूज़ है उसको आप भली भांति समझते हुए अपने आप को कोविड से बचा के रखें। बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और थैंक यू भी बोलता हूँ एडवांस में कि आप इन बातों पर गौर करेंगे। थैंक यू। चलिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम और आप मिलके एक नई शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और अपने नॉलेज को एनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे, देखेंगे। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आपके द्वारा कहीं और कुछ पढ़ा जाए और वो आपको इस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू और मेरे फर्स्ट इम्प्रेशन जो इस क्वेश्चन के प्रति हैं उससे मैच नहीं खा सकते, इसलिए उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और आधा ज़्यादा जानने की प्रयास करेंगे और अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। व्हेन द एम्प्लॉई रेज्ड बेस बायस रेज्ड बायस अगेंस्ट द इंक्वायरी ऑफिसर, द पेपर्स शुड बी पुट अप टू डैश अथॉरिटी। किस अथॉरिटी को अगर कोई मतलब इंक्वायरी ऑफिसर पे ये लगाता है, इल्जाम लगाता है कि भाई ये बायस हो गए, मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए या किसी की तरह झुकाव हो के आप काम कर रहे हैं, तो उनके जो पेपर है वो किसको जाएंगे? तो अपीलेट को जाएंगे या रिवाइजरी को जाएंगे या रिव्यूइंग हो या अपने डिसिप्लिनरी को? तो मेरे हिसाब से वो रिवाइजरी को जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप कुछ यूँ समझे कि वेन एवर एन एप्लीकेशन एलिजली बेस अगेंस्ट द इंक्वायरी ऑफिसर, इट मूव्स बाय द चार्ज ऑफिशियल, द प्रोसीडिंग शुड बी स्टेड एंड द एप्लीकेशन विथ रिलेवेंट मटेरियल शुड बी फॉरवर्डेड टू द रिवाइजरी अथॉरिटी फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग appropriate order here on. Okay, who should be the appoint the as a inquiry officer? The principle of the natural justice may fair hearing based judgment and clear speaking order. If there therefore the following follows the that the person to be appointed as a inquiry officer should not be in the interested in the subject matter of the inquiry of in any matter. तो ये मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि भाई इंक्वायरी ऑफिसर किसको बनाया जा सकता है, तो उनको उस मैटर या सब्जेक्ट मैटर में इंक्वायरी कर रहे हैं उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी बेस्ड, उसको किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी विटनेस इन द प्रोसीडिंग्स, उनको कोई गवाह के रूप में भी नहीं होना चाहिए। शुड नॉट हैव एक्सप्रेस एन ओपिनियन अबाउट द मेरिट्स ऑफ द केस, उनको सॉरी इस तरह के कोई ओपिनियन भी नहीं जारी करना चाहिए जिससे उसको लगे कि किसी साइड में है या नहीं है। शुड बी सफिशियंट एंड सीनियर टू द चार्ज ऑफिशियल टू इवोक इवोक कॉन्फिडेंस ऑफ द ऑल कंसर्न। तो जो इंक्वायरी ऑफिसर होते हैं वो उनमें एक और जो जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं, जिसकी इंक्वायरी होने वाली है, उनके बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है,
should be higher in status to that to be the officer who conduct the fact finding inquiry. This will emulate the possibilities of the inquiry officer being influenced by the finding of the superior official. तो सॉरी इस तरह की बातें हैं. तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर वन है वो उसका आंसर बी होगा. ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं. द विडो डॉटर शैल बी इंक्लूड इन द प्रिविलेज पास अकाउंट ऑफ द रेलवे एम्प्लॉइज एज ए. अब ये जो सवाल है ये काफी कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए. इसमें जो ऑप्शन है जैसे कि डिपेंडेंट रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव एंड नन, तो जो मेरे हिसाब से होगा वो फैमिली मेंबर होगा. फैमिली मेंबर होने का कारण क्या है कि जो रूल नंबर टू है पास के उसके हिसाब से जो विडो डॉटर है उसको फैमिली मेंबर में इंक्लूड किया गया है. डिपेंडेंट अगर होता तो डिपेंडेंट में जैसे कि अगर कोई स्टाफ है और उसके फादर नहीं है तो उनकी बहनें या फिर जो बाकी लोग हैं उनको मतलब भाई भी है या फिर मदर है तो वो डिपेंडेंट में शामिल होते हैं. लेकिन अगर इनकी डॉटर है तो खुद फैमिली मेंबर्स हैं. सो तो द आंसर इज बी फैमिली मेंबर्स. क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है द इनकम क्राइटेरिया टू इंक्लूड द डिपेंडेंट रिलेटिव इन द पास अकाउंट ऑफ द रेलवे एम्प्लॉइज. तो ऑप्शन देखते हैं. ए है मिनिमम पेंशन इंक्लूड एडिशनल पेंशन इफ एनी. ऑप्शन बी है मिनिमम पेंशन और 15% ऑफ द पे ऑफ द एम्प्लॉई विच एवर इज लोअर. सी मिनिमम पेंशन एक्सक्लूडिंग एडिशनल पेंशन इफ एनी एंड डी मिनिमम पेंशन और 15% ऑफ द पे ऑफ द एम्प्लॉई विच एवर इज हायर. तो जो ऑप्शन है वो डी होगा और इसके लिए जो आरबी नंबर है वो है 132/2016. उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि प्रोवाइड दैट दैट ए पर्सन सेल नॉट बी कंसीडर टू बी ए डिपेंडेंट रिलेटिव रिलेटिव इफ हिज और हर इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग पेंशन डियरनेस रिलीफ ईटीसी एक्सीड 50% एक्सीड्स 15% ऑफ द पे पर मंथ ऑफ द रेलवे सर्वेंट or the amount arrived by the adding of 9,000 to the dearness relief admissible to the pensioners or a family pensioners on pension of 9,000 or 15% of the pay whichever is more. Yeah, that means whichever is higher. तो हमारा जो आंसर जो है वो बी सॉरी डी होगा जो हमने मार्क किया हुआ है. इससे पहले ये हमने क्वेश्चन नंबर टू को डिस्कस किया था. इसके अंदर जो फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है जिसमें वाइफ या हस्बैंड जो भी कमाते हैं उसको कोई लेना देना नहीं है उनको फैमिली मेंबर में शामिल किया जाता है. ठीक है, सन और स्टेप सन अंडर द एज ऑफ 21 years एंड द होली डिपेंडेंट बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ द एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अनमेरिड डॉटर ऑफ एनी एज वेयर अर्निंग और नॉट डिपेंडेंट विडो डॉटर रेलवे डॉक्टर सर्टिफाइड इन इनवैलिड सन डॉटर सन और ए डॉटर ऑफ एनी एज. तो ये फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है. ये रूल नंबर टू आपको याद रखना आपके फायदेमंद रहेंगे. तो ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये इस तरह के सवाल हैं जो एपीओ या किसी भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. एपीओ एओम या जिस भी चीज की तैयारी करते हैं आपको पास के जो क्वेश्चन के जो नेचर हैं वो आपके चेंज हो रहे हैं तो वो आपको देखने जैसा है और समझने जैसा है ताकि आप आगे के लिए अपने आप को रेडी कर सके. चलिए क्वेश्चन नंबर हम फोर पे चलते हैं. द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरईएलएचएस बाय ए रेलवे एम्प्लॉय इन लेवल 5 ऑफ द पे मैक्सिम मैट्रिक्स विच बेसिक पे इज 45,000 रुपीज. अब जो सवाल ये है कि लेवल 5 पे, तो लेवल 5 के लिए जो आरएलएचएस जो स्कीम है वो 1 से 5 के लिए 30,000 रुपये ही है.
ठीक है। अब इसमें से कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई 30,000 है तो आप ये भी तो लिखा है कि भाई जो बेसिक है उसके आधार पे होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो लास्ट बेसिक के पे के हिसाब से नहीं होगा, यहाँ पे 30,000 होंगे, क्योंकि जो इसका जो रेलवे बोर्ड की लेटर है उस पर लिखा है कि विच एवर इज लोअर, तो लोअर जो है वो 30,000 है। लेकिन अगर आप मान लो कि किसी का पेमेंट जो है वो 25,000 ही है, तो जो मिनिमम में है ना वो मिनिमम लेना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो आई होप कि मेरी बात को आप समझ रहे हो, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मान लीजिए कि जैसे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए रेलवे सर्वेंट द लास्ट बेसिक सैलरी इज 17,000 रुपीज इन पेमेंट इज ऑफ लेवल 7, ठीक है। और लेवल 7 का जो है, लेवल 7 टू 11 जो है वो 78,000 है, तो आप यहाँ पे क्या लेंगे? एक रेल सेवक जिनका सेवानिवृत्ति के समय अंतिम मूल वेतन 70,000 पे मैट्रिक्स लेवल 7 में है, इन्हें आरएलएसएस के तहत मेडिकल सुविधा प्राप्त करने के लिए कितनी राशि जमा करनी होगी? तो 70,000 ही जमा करनी पड़ेगी, भले ही लेवल 7 का सब्सक्रिप्शन जो है वो 78,000 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ कहा गया है कि जो भी कम राशि होगी वो जमा करवानी है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वेदर द वार्ड ऑफ द सेकेंड वाइफ आर एलिजिबल फॉर कंपनसेट ग्राउंड डिपार्टमेंट, तो जो ऑप्शन है नॉट एलिजिबल, बी है एलिजिबल इफ द एडमिनिस्ट्रेशन परमिट द सेकेंड मैरिज इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, सी है चिल्ड्रन बॉर्न टू सेकेंड वाइफ मे ऑल्सो बी कंसिडर इवन वेन द सेकेंड मैरिज हैज नॉट बीन स्पेसिफाई स्पेसिफिकली परमिटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डी इज नन ऑफ द डीज। तो हमको जो सवाल है उसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसके लिए जो आरवी नंबर है वो 2/2018/2019 से क्लेरिफिकेशन आया था कि भाई ये जो वाइड या जो भी जैसे हैं ये बच्चे हैं उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसी में बताया गया है कि चिल्ड्रन बॉर्न टू सेकेंड वाइफ मे ऑल्सो बी कंसिडर इवन वेन द सेकेंड मैरिज हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली परमिटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बच्चे की तो कोई गलती है नहीं, वो पैदा हो गया भाई, वो उनको क्या पता था कि बच्चे सेकेंड मैरिज उनको प्रशासन ने दिया है परमिट कि नहीं, तो ये यहाँ पे एक नेचुरल जस्टिस वाला मामला बनता है, और इस कारण जो सेकेंड मैरिज को अगर परमिट दिया गया है या नहीं दिया गया है वो इशू नहीं रहेगा और बच्चे को एलिजिबल बनाया जाएगा कमिश्नरेट ग्राउंड के लिए, सीजीए के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड हैव परमिटेड फॉर रिटेशन ऑफ रेलवे अकोमोडेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ हु आर ड्यू टू वैकेंट देयर अकोमोडेशन ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक अप टू। तो आरवी नंबर 103/2020 का जो लेटर है उसके हिसाब से हमारा जो आंसर है वो 31 दिसंबर 2020 तक का है। सॉरी मुझे थोड़ी खांसी है जिसकी वजह से इस तरह की परेशानी है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करना जरूरी है, लोगों की काफी डिमांड है कि मैंने 15 दिन से कुछ वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो सॉरी फॉर दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ चलते हैं। फॉर प्रमोशंस इन नॉन गजेटेड कैडर्स द मार्क डिडक्टेड फॉर माइनर पेनल्टी इज, तो देखिए इसमें ऐसा है कि लास्ट 3 ईयर का जो पेनल्टी है माइनर पेनल्टी है उसमें -1 है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा ये होगा, ठीक है, माइनर पेनल्टी के लिए। पॉइंट यहाँ पे नोट करने जैसा है, ये माइनर पेनल्टी के लिए है, और अगर यही मेजर पेनल्टी होता तो हमारे 2 मार्क्स कट जाते हैं। इच मेजर पेनल्टी ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है, 2 मार्क्स कटते हैं, और इस ईच है तो यानी कि हर साल के लिए 2 कटते हैं,
इस हिसाब से जो माइनर के लिए है वो वन है, मार्स है, इच इच क्या बोलेंगे, इच ईयर के लिए आप समझिए कि इच मेजर मतलब 3 साल के अंदर जो भी मेजर पेनल्टी मिले हैं उसके हिसाब से एक एक मार्क कटते चले जाएंगे। लास्ट थियर ईयर 3 ईयर्स के लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा 1 मार्क्स होगा माइनर पेनल्टी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कपेसिटेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट फॉर वीडो इज, तो इनके लिए कोई कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया और इसके बदले में आप यूं समझ लें कि उनके लिए कुछ पोस्टें हैं जो स्पेशली रिजर्व करके रखी गए हैं, जैसे कुछ पानी वाले या फिर और दूसरे पोस्ट भी हैं, तो इम्पोर्टेंट ये है उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन की बैरियर नहीं रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड फॉर व्हिच एन एवरी एम्प्लॉय मस्ट वर्क अंडर ए सुपरवाइजर और कंट्रोलिंग ऑफिसर फॉर एन एपीआर टू बी जनरेटेड। तो ये 3 मंथ्स का है, ठीक है, ये 3 मंथ्स कम से कम उसके अंडर में काम करना चाहिए। द रिव्यूइंग ऑफिसर ऑफ ऑफिसर फॉर एपीआर ऑफ द एम्प्लॉय इन लेवल 6 GP 4200 इज, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो जूनियर स्किल और सीनियर स्किल ऑफिसर होगा, हमारा आंसर डी होगा, ठीक है, क्योंकि चलिए हम इसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे। या यू कहें कि द एपीआर ऑफ ए नॉन गेजेटेड स्टाफ इन लेवल 6 सेक्शन 1 शैल बी रिपोर्टेड अपॉन बाय द इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर सुपीरियर और सीनियर सुपरवाइजर इन लेवल 7, इट शैल बी रिव्यूड बाय द जूनियर स्किल ऑफिसर एंड सीनियर स्किल ऑफिसर और द हायर अथॉरिटी। तो यहाँ पे जूनियर स्किल और सीनियर स्किल है वो उनके लिए इस तरह की बातें हैं, ठीक है। सेक्शन 2 का जो प्रमोशन का ये है उसमें भी जूनियर स्किल और रिव्यू बाय द सीनियर स्किल ऑफिसर एक्सेप्टेड बाय JHE एंड डिप्टी HOD लेवल के ऑफिसर करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इन क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ बेस्ट अमंग फेलियर स्कीम विल नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रमोशन थ्रू। तो 4 ऑप्शन है, रेगुलर सिलेक्शन, LDC एंड बोथ एंड नन। तो हमारे पास जो अवेलेबल है 503/2020 का जो लेटर है उसके हिसाब से LDC हमारा आंसर होगा। LDC में बेस्ट अमंग नहीं लिया जाएगा, ये 17/8/2020 का मेरे हिसाब से लेटर है, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर प्रमोशन फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2 पोस्ट ग्रुप ग्रेड पे 1800 टू ग्रेड पे 1900 अंडर 16/2/3% ऑफ द एम्प्लॉई अपॉइंटेड पीरियड टू 17 December 2014 इज। तो इस समय आप यू समझ लें कि ये एक डेट दिया है लेकिन इसके साथ एक लेटर पब्लिश की गई थी उसके हिसाब से 12 स्टैंडर्ड का है विथ 50% एग्रीगेट मार्क है, 10+2 वाला जो ऑप्शन है उसके हिसाब से है, ठीक है। इसके लिए आरबी नंबर है 145/2014, ये 17/12/2014 को ही रिलीज किया गया था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका है 1/14 का लेटर है, ये आपको पढ़ना चाहिए। जो मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूँ वो आपको एक बार तो उस लेटर को डाउनलोड करके रेलवे बोर्ड की साइट से पढ़नी चाहिए या किसी भी वेस्टर्न रेलवे साउथर्न रेलवे या किसी भी रेलवे से जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे आपको किसी बंधन में नहीं रखना है। मैं जो बता रहा हूँ तो ठीक है,
इसके अलावा भी आप अपने ओपनली सोर्स के हिसाब से पूरे दुनिया आपके लिए ओपन है, तो वो वहाँ पढ़ के अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, ताकि मुझे भी मेरे व्हाट्सएप पे प्रश्न, व्हाट्सएप पे आप मुझे विथ एविडेंस मुझे वापस करें। लोग मुझसे वो एविडेंस मांगते हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद एविडेंस के साथ मुझे वापस करें। मेरा मोबाइल नंबर है 8511-23532, तो आप कभी भी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं अपनी सुविधा के अनुसार आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखते हैं। विच कैटेगरी ऑफ प्रिविलेज पास इज एनेबल टू चीफ कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी? इट इज फर्स्ट क्लास डे पास। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देना कि फर्स्ट क्लास डे पास की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ड्यूटी पास नहीं है, नहीं तो फिर यहाँ पे गोल्ड पास हो जाता। सिल्वर पास, प्लेटिनम पास, इट इज वन टाइप ऑफ मेटल पास, तो यहाँ पे हम प्रिविलेज पास पर फोकस करेंगे जो हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी बस मे बीच मे सॉरी हाउ मेनी बस बर्थ्स मे द चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड गेट रिजर्व इन सेकेंड एसी ऑफ द राजधानी एक्सप्रेस ऑन द अकाउंट ऑफ प्रिविलेज और पीआरसी पासेस? ठीक है, 2, 4, 2, 3, 5 इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। इस हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन है बी, ये सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ए न्यू फाइल, ये जो ये है वो राजधानी हमसफर और दूसरा दुरंतो वगैरह जो ट्रेनें हैं उनके लिए है, शताब्दी ट्रेनें हैं उनके लिए ये इस्तेमाल किए गए। तो इसका एक लेटर है जो आपको पढ़ना चाहिए, मेरे ख्याल से जो लास्ट ईयर सेकेंड लास्ट ईयर आया हुआ था, आप पढ़िए। इस पेपर को मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, रेलवे एग्जाम डॉट इन पे, तो वहां जाके पहले सॉल्व कीजिए अगर आपको लगता है, क्योंकि क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड है आपको देखने से ही पता चल रहा, और ये वीडियो काफी लंबा होने जा रहा है, तो मैं इसको जल्दी कंक्लूड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यू फाइल शुड बी ओपेंड व्हेन द करेंट फाइल हैज अप्रोक्सीमेटली डैश पेजेस। सॉरी, तो ये कह रहा है कि एक नया फाइल कब ओपन कर देना चाहिए, जब जो अपना करंट फाइल है उसके उतने पेजेस हो जाने चाहिए। तो हमारा जो आंसर है वो सी होगा, 300 पेज। ठीक है, ए फाइल कवर कैन रन अप टू द 300 फाइल्स, तो ये एक सेंटेंस है जिसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, फोलीज इन द फाइल शुड बी नंबर्ड इन डैश इन इंक, तो ये जो है वो रीड रीड से किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये रीड से किया जाता है। फाइल्स नंबर शुड बी रिटेन इन रीड एंड राउंड एट द राइट साइड ऑफ टॉप कॉर्नर, जिसका हम फॉलो नहीं करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, और हमको ये बताया भी नहीं जाता कि ऑफिस प्रोसीजर क्या है, पर इससे रिलेटेड एक 300-400 पेजों की एक बुक है जिसको लोगों को पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या है कि अब ई ऑफिस आ गया है इसलिए उसको पढ़ना भी उचित नहीं है। तो चलिए अब हम नए तरीके से ई ऑफिस को एक बार देखेंगे, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ई ऑफिस भी एक अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टाफ आर मार्क एज लेट कमर इफ दे रिपोर्ट फॉर ड्यूटी आफ्टर डैश मिनट्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड रिपोर्टिंग टाइम। इट इज टाइम कीपर क्वेश्चन, तो 15 मिनट की लेट को लेट कमर घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ए नोट? ये है,
एक है जो ये है, द पैराशूट बी नंबर्ड, सेकेंड है द साइज ऑफ द पैराशूट बी 6 to 10 इन लाइंस, एंड जो ऑप्शन है थ्री, द लास्ट पैरा इन ए नोट शुड कंटेन रिकमेंडेशन और सजेशंस, एंड द फोर्थ इज द फर्स्ट नोट शुड बी टाइप्ड। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट लग रहा है मुझे वो लग रहा है द पारा शुड बी नंबर्ड, क्योंकि पारा को नंबर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा, जिसका ए में 1 है, ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी में नहीं दिया हुआ है तो ये नंबरिंग नहीं होती है। द पारा शुड बी नंबर्ड, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, द पारा विल बी अरेंज इन लॉजिकल एंड ए कोहेरेंट वे सो एज द गिवेन ए रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्पोजल ऑफ इच स्टेज इन द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर इट टेक्स प्लेस इन प्रैक्टिस। तो आई होप कि मेरे सेंटेंस को आपने पकड़ लिया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। फोर द कैटेगरीज ऑफ स्टाफ फॉर हुम रेलवे बोर्ड हैज नॉट प्रिस्क्राइब रिफ्रेशर कोर्स डैश मे प्रिस्क्राइब द ड्यूरेशन एंड पीरियो डीसीटी डिपेंडिंग ऑन लोकल नीड्स। ऑप्शन पीएचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, ट्रेनिंग मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, जनरल मैनेजर एंड प्रिंसिपल सीपीओ। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा होगा वो सी होगा, जनरल मैनेजर। ठीक है, ये चैप्टर 1 है जो ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड कंफर्मेशन एंड रीएम्प्लॉयमेंट सेक्शन बी का सब सेक्शन 3 और पैरा नंबर 118 पे जो दिया गया है, तो ये पढ़ने जैसा है। तो आप जाएं और पढ़ें। उसके अंदर लिखा है कि पीरियोडिकल रिफ्रेशर कोर्स एट स्टेटेड इंटरवल्स एंड प्रमोशन कोर्स आर एज नेसेसरी मे बी प्रिस्क्राइब बाय द जनरल मैनेजर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ईच केस, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द गाइडलाइंस एंड ऑर्डर इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द बोर्ड। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 20। फैकल्टी ड्रोन फ्रॉम रेलवे ऑन टेन्योर बेसिस फॉर सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर एंटाइटल्ड फॉर ट्रेनिंग अलाउंस एट द रेट ऑफ डैश ऑफ द बेसिक पे। तो जो ऑप्शन है वो है 30%, 28%, 26% एंड 24%। आरबी नंबर 145 बाय 2017, 145 बाई 2017। ठीक है, इसके हिसाब से जो ट्रेनिंग स्कूल के जो है रिवाइज किए गए हैं, पहले वो 30% था, अभी ये 24% इसका सही आंसर होगा। तो उस हिसाब से पहले जो अदर ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है उनको जो 15% मिलता था, अभी 12% या 12% ऑफ द बेसिक पे है। ठीक है, तो ये आरबी नंबर आपको पढ़ने जैसा है, 145 बाय 2017। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रोजेक्ट सक्षम। तो प्रोजेक्ट सक्षम जो है वो इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप अगर उसके बारे में कोई आर्टिकल पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं पढ़ा है तो पढ़ने जैसा है। ठीक है, ऑप्शन ए है इट प्रोवाइड्स 5 days ऑन द जॉब और ए क्लासरूम ट्रेनिंग। नंबर बी है इट इज एप्लीकेबल ओनली टू सुपरवाइजर स्टाफ। सी है इट इज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज स्टेटेड स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी 1, 1 जनवरी 2017। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स 5 days ऑन द जॉब और क्लासरूम ट्रेनिंग, इट्स करेक्ट आंसर। इट इज एप्लीकेबल ओनली सुपरवाइज स्टाफ, तो ये गलत है। इट इज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी गलत है।
क्योंकि हमारे जो रेल मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने लॉन्च किया था। और लॉन्च किया था नंबर डी, जो 1 जनवरी 2017 लिख रहा है वो भी गलत है, क्योंकि 14 नवंबर 2017 को लॉन्च किया था उन्होंने। ठीक है, और इसकी कंप्लीशन जो डेट थी वो 31 दिसंबर 2017 रखी गई थी। फिर 1 साल तक चला था, 9 महीने का टारगेट उन्होंने कुछ दिया था, तो पॉइंट वो समय। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल भी आपको ढूंढ के पढ़ना चाहिए, ये काफी प्रोजेक्ट सक्षम सरकार की एक सोच आधारित परियोजना थी। परियोजना नहीं, मतलब मिशन मान सकते हैं कि भाई आपको अपने आप को सक्षम बनाना है, जिस भी फील्ड में है वहाँ पे 5 से 10% आपको इंक्रीज करना है अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ द टेम्पररी रेलवे सर्वेंट ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ द पोस्ट ही मे बी इशूड विथ, ठीक है, तो ऑप्शन है 3 मंथ्स नोटिस, 14 डेज नोटिस एंड नो नोटिस एंड 1 मंथ नोटिस। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हमारा होना चाहिए वो सी होना चाहिए, नो नोटिस। अब कुछ सेंटेंस मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जिसे आप ध्यान से सुने। इन द टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस इज ड्यू टू सम अदर कॉज ही शैल बी एंटाइटल टू 1 मंथ नोटिस, प्रोवाइडेड ही वॉज इंगेज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डेफिनेट पीरियड एंड द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी अदर पीरियड ऑफ नोटिस एंड ए नोटिस ऑफ 14 डेज और इफ ही वॉज नॉट इंगेज्ड इन ए कॉन्ट्रैक्ट। टेम्पररी रेलवे सर्वेंट विथ ओवर द 3 ईयर्स कंटिन्यूअस सर्विस शुड या सेल हाउ एवर बी एंटाइटल टू ए 1 मंथ नोटिस। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने संदेश पढ़ा ये ऑप्शन ए बी और डी के लिए पढ़ा। ठीक, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हमारा नो नोटिस आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 पे चलते हैं। एनी रेलवे सर्वेंट में प्रेफर एन अपील अगेंस्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट टू, ठीक है, ए है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एंड सी लेबर कमिश्नर एंड डी इज जनरल मैनेजर ऑफ द कंसर्न जोनल रेलवे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो सी आएगा, रीजनल लेबर कमिश्नर। एनी रेलवे सर्वेंट मे बी प्रिपेयर एन अपील अगेंस्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट टू रीजनल लेबर कमिश्नर विद इन 90 डेज ऑफ द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, एचओआर नियम के तहत जो डिक्लेरेशन होते हैं उसके तहत के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 पे चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ द रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली सेक्शन वे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज डी 10%। ठीक है, यही सही आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। हु इज द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी टू एक्सेप्ट द रिजिग्नेशन ऑफ द ग्रुप ए जूनियर स्किल ऑफिसर, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो डी आएगा, जनरल मैनेजर। ये जो है ये मॉडल एसओपी 2018 के अनुसार जो है ये है। ठीक है, इसका जो हमारा जो पार्ट है वो एफ एफ पार्ट है। ठीक है, और पेज नंबर 11 है, वहाँ पे लिखा है कि अप टू सीनियर स्केल जीएम एंड जेएजी एंड अबव रेलवे बोर्ड, ये वीआरएस के लिए भी यही रूल अप्लीकेबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। द रेलवे एम्प्लॉय हु इज एंटाइटल टू ट्रेवल इन एनी क्लास इन ट्रेन आर एंटाइटल फॉर ए सम ऑफ मनी डैश पर पर्सन एज डीम्ड एलटीसी। ठीक
एज स्पेशल कैश पैकेज इन लियू ऑफ ऑल इंडिया लीव कंसेशन फॉर द ब्लॉक पीरियड ऑफ 2018 टू 2021। अब जो सवाल है वो एलटीसी है, लीव ट्रेवल कंसेशन का। ठीक है, यहाँ पे जो कहा गया है जो कैटेगरियां बनाए गए हैं वो तीन कैटेगरी के बनाए गए हैं। ठीक है, एम्प्लॉय हु आर एंटाइटल टू बिजनेस क्लास ऑफ एयर फेयर। ठीक है, फिर है एम्प्लॉय हु आर एंटाइटल टू इकोनॉमिक क्लास एयर फेयर, एंड थर्ड है एम्प्लॉय हु आर एंटाइटल टू रेल ऑफ एनी क्लास। तो जो ये है मैं आपको बताना चाह रहा था वो क्लास हमारा जो कैटेगरी नंबर थ्री है, एम्प्लॉय हु आर एंटाइटल टू रेल ऑफ एनी क्लास इज 6,000 डीम एलटीसी फेयर पर पर्सन राउंड ट्रिप। ठीक है, तो ये 6,000 रुपये होंगे यहाँ पे जो ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक 36,000 रुपये दिया गया है, ये एम्प्लॉय हु आर एंटाइटल टू बिजनेस क्लास ऑफ एयर फेयर है, तो बिजनेस क्लास के लिए वो 36,000 रुपये पर पर्सन राउंड ट्रिप उनको मिलेगा। ठीक है, इसमें एक और है, इसमें 2,000 दिया है, बल्कि इसमें 2,000 नहीं 20,000 होना चाहिए सी जो ऑप्शन है, तो ताकि कन्फ्यूजन और बढ़ जाए, ताकि आप एक अच्छे कैंडिडेट की पहचान इस क्वेश्चन के माध्यम से कर सकें। एम्प्लॉय हु आर एंटाइटल टू इकोनॉमिक क्लास एयर फेयर 20,000 पर पर्सन राउंड ट्रिप है। ठीक है, तो ये तीनों का मैंने बता दिया कि फर्स्ट के 36,000 पर पर्सन राउंड ट्रिप है, सेकेंड का जो है जो इकोनॉमिक क्लास है वो 20,000 है, और एनी क्लास ऑफ रेल ट्रेवल के लिए जो है वो 6,000 रुपये 6,000 ये आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 को देखते हैं। रेलवे एम्प्लॉय ऑप्ट फॉर ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन शुड सरेंडर। तो जो ऑप्शन है ए है पीटीओ ओनली, बी है बोथ पीटीओ एंड प्रिविलेज पासेस, एंड सी इज वन सेट ऑफ प्रिविलेज, एंड डी इज ऑल सेट ऑफ प्रिविलेज पास एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर। तो जो ऑप्शन हमारा डी है, ऑल सेट ऑफ प्रिविलेज पास एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर, तो ये सही आंसर होगा और हम इसको मार्क करेंगे। तो हमने इसको मार्क कर दिया, ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि एलटीसी से रिलेटेड अगर आप जो आरबीओ निकले हैं तो उनको आप देखें, उसमें काफी कुछ है, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो आपके फायदे के लिए है। चलिए क्वेश्चंस ये काफी मॉडरेट हैं और हार्ड भी हैं, तो ये काफी डिस्कशन वाला है। चलिए हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। एनपीएस सब्सक्राइबर्स इंटेंट टू विड्रॉ पार्शियल अमाउंट फ्रॉम देयर ओन कंट्रीब्यूशन दे हैव टू सबमिट, ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, बी विड्रॉल नॉट परमिटेड, एंड सी इज मेडिकल सर्टिफिकेट, एंड डी इज सेल्फ डिक्लेरेशन। तो देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन देगा, क्या देगा, ये मुझे समझ में नहीं आता। बी है विड्रॉल नॉट परमिटेड, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विड्रॉल तो परमिटेड है, तभी तो वो बोल रहे हैं कि हम क्या सबमिट करेंगे, तो फिर वो ये हो जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन पे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इम्पोर्टेंट सवाल वही है। तो अभी जो ऑप्शन मुझे जो सबसे सही लगता है वो मेडिकल सर्टिफिकेट इज परफेक्ट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थ्री ईयर सब्सक्राइबर कैन विड्रॉल 25% ऑफ हिज हर ओन कंट्रीब्यूशन फॉर स्पेसिफिक रीजन वाइज इलनेस डिसेबिलिटी एडुकेशन एंड मैरिज ऑफ चिल्ड्रंस। तो ये है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं अगर बच्चे की शादी वादी है तो, या उनका एडुकेशन है तो, परचेजिंग प्रॉपर्टी है, या स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर है, या तो ये भी हो सकता है ऑप्शन। लेकिन जो मुझे जो अभी यहाँ पे जो एज पर द ऑप्शन जो लग रहा है वो मेडिकल सर्टिफिकेट इज क्वाइट बेटर ऑप्शन, क्योंकि इलनेस या डिसेबिलिटी के लिए जो है ना ये पहले नंबर पे है। ठीक है, तो सब्सक्राइबर कैन पार्शली विड्रॉल अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 times ड्यूरिंग हिज और हर इंटायर टेन्योर इन एनपीएस। तो अपने पूरे लाइफ में वो तीन बार निकाल सकता है, और तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा आंसर जो होगा वो यही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। ड्यूरिंग इंटायर सर्विस द रेलवे एम्प्लॉय आर परमिटेड डैट्स टाइम्स फॉर एनकेसमेंट ऑफ लीव। तो लीव इनकेसमेंट जो है ना वो 6 बार मिलते हैं 10-10 दिन का।
अगर आपको याद हो तो हमारा जो ऑप्शन 29 का है वो डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 पे चलते हैं। वेदर मेल्स रेलवे एम्प्लॉई आर एलिजिबल फॉर चाइल्ड केयर लीव। ऑप्शन है एलिजिबल, बी है नॉट एलिजिबल, सी इज एलिजिबल इफ ही इज ए सिंगल पेरेंट एंड डी इज एलिजिबल इफ ही इज ए विडो। तो ऑप्शन जो सी है वो मुझे सबसे बेहतर लग रहा है और यही आंसर हमारा होगा, एलिजिबल इफ ही इज ए सिंगल पेरेंट। इसका जिक्र जो है वो नीचे जो है 31 नंबर का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो आरबी जारी किया गया था उसमें बताया गया है। ठीक है, तो एक्सपेंड रील है WRILL। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, जो हमारा ऑप्शन बी में है। ठीक है, और इसके लिए जो हमारा आरबी नंबर है वो 64। ठीक है, 64/2019 है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको 64/2019 अगर ये है आपके पास तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसी में मेरे ख्याल से इन दोनों का जिक्र किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। द इनकम सीलिंग पर एनम फॉर एवेलिंग ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कंसेक्शन इज, तो ये 8 लाख रुपए है। ठीक है, सीधा साधा सवाल है, तो आई होप कि लेस देन 8 लाख रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। फॉर द पर्पस ऑफ विजुअल एक्यूटी एंड जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट एंड ऑफ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉई द नॉन गजेटेड रेलवे सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू डैश ग्रुप्स। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो 7 है 4 है 3 एंड 5। तो जो मुझे जो लगता है वो अब मैं आपको बताना चाहूंगा विथ लॉजिकली, और ऐसे भी वो जो ग्रुप्स हैं वो 3 हैं। अब ग्रुप्स कौन कौन से 3 हैं? ए बी और सी। ठीक है, ए में है A1, A2, A3, बी में है B1, B2 और सी में है C1 और C2। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप्स हैं ए बी सी, तो विजुअली के लिए ये क्लासिफाइड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 34 को देखते हैं। द मेडिकल क्लासिफिकेशन फॉर लोको पायलट एंड असिस्टेंट लोको पायलट इज A1। इट्स अ सिंपल एंड हमेशा ही इस तरह के सवाल आते रहते हैं, तो ये ध्यान देने जैसा है। ठीक है, तो A1 इनके लिए है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आए हैं। रूल 3A ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966 इज डील विथ। तो जो 3A है वो है हमारा प्रॉम्प्शन एंड कर्टसी है। ठीक है, हमारा आंसर जो है वो सी होगा। अब इसमें समझने वाली बात है कि बाकी जो है वो क्या है। तो ये जो ऑप्शन ऑब्जर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज है ना, ये आपका है 3B है। ठीक है, ये 3B है। अब ये जो है वो 3C है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है, तो एक इम्पोर्टेंट है। और ये जो है वो केवल 3 है जनरल। तो आई होप कि आपको सारे चीज़ें समझ में आ गए हैं। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। वेयर ए रेलवे सर्वेंट एंटर्स इनटू ए ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आइदर इन हिज ओन नेम और इन द नेम ऑफ ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली
he sell within 1 month from the date of such transaction reports the same to the government. If the value of such property exceed dash month basic pay of the रेलवे सर्वेंट, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो आएगा वो हमारा 2, 3, 4, 2, 6 में हमारा ऑप्शन सी 2 months का होगा. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है और ये कंडक्टोरियल के सवाल के जो तेवर चेंज हो रहे हैं उससे ही रिलेटेड है. तो अब काम केवल ऊपर ऊपर से पढ़ने से नहीं चलेगा, तो आगे आने वाले समय में कंडक्टोरियल भी काफ़ी डीप क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं और देखते हैं. ए रेलवे सर्वेंट हु इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ट्रेन पासिंग शैल नॉट यूज एनी इंटॉक्सिकेशन एनी टॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स विथ इन डैश आवर्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ ड्यूटी. तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा ना 8 hours, यही आंसर सही है. ठीक है, ये भी कंडक्ट रूल से रिलेटेड सवाल है. चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 को देखते हैं. विच पार्ट ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 डील्स विद द पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज. तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है. तो देखिए, आपको अगर पता है तो पार्ट वन जो है वो जनरल से रिलेटेड है. ठीक है, और पार्ट फोर जो है यानी कि ऑप्शन बी जो है ये प्रोसीजर ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी से रिलेटेड है. ठीक है, पार्ट सी पार्ट फाइव यानी कि जो ऑप्शन सी है ये अपील से रिलेटेड है. ठीक है, और पार्ट थ्री जो है वो हमारा ऑप्शन सही है, ये पेनल्टी से रिलेटेड है. तो हमारा डी ऑप्शन जो होगा वही सही होगा. इसके अलावा जो पार्ट सिक्स जो है जिसके बारे में जिक्र मैं करना चाहूँगा, ये रिवीजन है, रिव्यू है. एंड पार्ट सेवन इज मिसलेनियस. तो आई होप कि मैंने सारा जिक्र कर दिया है. एक पार्ट टू रह गया है, वो एक्चुअली सस्पेंशन से रिलेटेड है. ठीक है, तो पार्ट वन जो है वो हो गया जनरल से, पार्ट टू हो गया सस्पेंशन से, पार्ट थ्री जो हो गया वो पेनल्टीज से हो गया, पार्ट फोर जो है वो प्रोसीजर ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टीज से हो गया, पार्ट फाइव जो है वो हो गया आपका अपील से, सिक्स जो हो गया रिविजन एंड रिव्यू से, एंड सेवन इज मिसलेनियस. नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 39 विच इज नॉट ए पेनल्टी. ऑप्शन ए विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ पे ऑफ ए रेलवे सर्वेंट फॉर फेलियर टू पास एनी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, बी सेंसर एंड सी इज रिकवरी फ्रॉम हिज पे ऑफ द होल और ए पार्ट ऑफ एनी प्रिक्यूनरी लॉस कॉज्ड बाय हिम टू द गवर्नमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एंड दी इज नन. तो हमारा जो ऑप्शन ए है ना, ये नॉट पेनल्टी. Withholding of increments of pay of a railway servant for failure to pass any departmental examination. ये उसके अंदर जिक्र किया गया है कि कौन सा पेनल्टी नहीं है. उसमें 3-4 ऑप्शन हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, वहाँ से ये क्वेश्चन सवाल आया है. ये मैं बताना चाहूँगा कि ये डीआर का डीप क्वेश्चन है, ये सब लोग जल्दी समझ नहीं पाएंगे या फिर यूँ कहें कि कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि नन जो ऑप्शन देने की वजह से आप सेंसर और रिकवरी और ना, तो ठीक है इन दोनों को आप क्रॉस कर दोगे, लेकिन ए और डी में आपको तकलीफ पड़ेगी, इसलिए डीपली अब पढ़ना पड़ेगा. चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए हैं. विच इज नॉट ए मेजर पेनल्टी. ठीक है, तो जो ऑप्शन है उनको हम देख लेते हैं पहले. ये है रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट और सर्विस विथ और विदाउट फर्दर डायरेक्शन रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ रिस्टोरेशन टू द ग्रेड और ए पोस्ट और ए सर्विस फ्रॉम विच द रेलवे सर्वेंट वॉज रिड्यूस्ड एंड हिज सीनियरिटी एंड पे ऑन सच रिस्टोरेशन टू दैट ग्रेड पोस्ट और ए सर्विस.
B is removal from service, and C is withholding of increment of pay for a specified period with further directions as the whether on the expiry of such period this will or will not have the effect of postponing the future इंक्रीमेंट ऑफ हिज पे एंड डी इज कंपल्सरी रिटायरमेंट. तो जो ऑप्शन जो मुझे समझ में आता है उसके हिसाब से हमारा सी जो है ना वो सही आंसर होगा, क्योंकि आप इनको भी बहुत ईजी से ऑप्शन वाइज ये कर सकते हो कि रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड कंपल्सरी रिटायरमेंट इज टू इज मेजर पेनल्टी. तो यहाँ पूछा गया मेजर पेनल्टी कौन नहीं है, तो ये पहले ही क्रॉस हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में बच जाता है. तो ये मेजर पेनल्टी है क्योंकि जो इसके जो केवर हैं या फिर जो जिस जो पेनल्टीज है इसके अंदर ये काफ़ी हार्ड है. ठीक है, ये जो है तो ये आपको उसके अंदर जो माइनर है उसके अंदर चौथे नंबर पे ये मिल जाएगा आपको. तो आई होप कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं. ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं. ठीक है, रेलवे सर्वेंट कैन नॉट प्रिफेयर एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ए सस्पेंशन, बी इंटरलोकटरी इन नेचर, एंड सी इज एन ऑर्डर इम्पोजिंग पेनल्टी, एंड डी इज नन. तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही आंसर होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 को देखते हैं. रेलवे सर्वेंट में प्रिफेयर ए रिव्यू पिटीशन अंडर रूल नंबर 25 ए ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968-2. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा वो सही आंसर होगा प्रेसिडेंट को. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 को देखते हैं. अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द एम्प्लॉयर इज लायबल to pay compensation to the employee under Employees Compensation Act 1923. Option A है the injury caused to the employee due to accident not exceeding 3 days. B is the employee was under intoxicating condition at the time of accident, and C is not wearing the protective gears at the time of accident, and D is the injury caused to the employee ड्यू टू द एक्सीडेंट एक्सीडेंट 3 days. तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा ये मेरे हिसाब से सही आंसर होगा. द इंजुरी कॉज टू द एम्प्लॉय ड्यू टू एक्सीडेंट नॉट एक्सीडिंग 3 days. ठीक है, अगर एक्सीडिंग 3 days हो जाएंगे तो फिर वो लाइबल नहीं होगा. देखो इंटॉक्सिंग यानी कि अगर उसने ड्रग लिया है या फिर शराब पिया है या ऐसा कुछ किया है, या फिर उसने जो प्रोटेक्टिव मेजर्स जो मेजरमेंट है जैसे कुछ सेफ्टी चीज पहनना पड़ता है उनको काम करते वक्त, वो अगर नहीं पहना है तो भी वो लायबल नहीं होगा. तो हमारा जो 43 का आंसर जो होगा वो ए होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं. फॉर सबलेटिंग रेलवे क्वार्टर्स ए रेलवे सर्वेंट शैल बी इशूड चार्ज सीट फोर, मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी, नॉट चार्ज सीट, एंड ओनली वार्निंग. तो जो मुझे समझ में आता है वो अगर आपने सबलेटिंग यानी कि किराए पर आपने मकान दे रखा है, रेलवे क्वार्टर दे रखा है, तो सबसे पहले आपको सस्पेंड किया जाएगा, और जब सस्पेंड किया जाता है तो उसके लिए मेजर पेनल्टी इशू की जाती है. तो हमारा जो आंसर जो होना चाहिए वो मेजर पेनल्टी होना चाहिए. ठीक है, इस दौरान 2-3 कंडीशन है कि उसने किसको दिया है सबलेटिंग पे, अपने क्वार्टर के किस हिस्से को कितने हिस्से को उसने सबलेटिंग पे दिया है, क्या रेलवे स्टाफ को उसने सबलेटिंग पे दिया है, क्योंकि अगर रेलवे स्टाफ को दिया है तो उसको किसी तरह की पेनल्टी नहीं मिलेगी. उसने रेलवे प्रशासन से कितनी अनुमति ले रखी है उस पर डिपेंड करता है. रेलवे क्वार्टर से रिलेटेड ये सवाल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो मास्टर सर्कुलर नंबर 49 है उसको पढ़ने जैसा है. ठीक है, और इससे सवाल हर एग्जाम में आते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है. हम आगे देखेंगे कि अगर इस पर कोई वीडियो बना सकते हैं तो हम मास्टर सर्कुलर नंबर 49 को वीडियो पे रूप में लेंगे.
चलिए हम क्वेश्चन नंबर 45 पे आ गए हैं। रेलवे से एम्प्लॉय हु इज पोस्टेड एज फैकल्टी मेंबर एट रेलवे ट्रेनिंग सेंटर विल बी अलाउड टू रिटेन रेलवे क्वार्टर एट द प्रीवियस प्लेस ऑफ द पोस्टिंग फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ फुल टेन्यूर इज द राइट आंसर। क्योंकि कुछ चीजों के लिए फुल टेन्यूर के लिए मिलते हैं, उसमें से ये ऑप्शन ना सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का होगा फुल टेन्यूर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसके लिए एक मैं आपसे बताते चलूं कि जो इसका रेफरेंस होगा वो 2018 बाय टीएफसेल या टीएफसी जो भी आप बोले टीएफसेल ही रखो ऑब्लिक इजी ऑब्लिक पॉलिसी रिटेशन ऑफ क्वार्टर है। ये 12/4/2018 का लेटर है जिसके आधार पे फुल टेन्यूर होगा। ठीक है, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर हम 46 पे आ गए हैं। द फैमिली ऑफ रेलवे सर्वेंट हु डाइड इन हार्नेस मे बी परमिटेड टू रिटेन रेलवे क्वार्टर फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ तो ये 2 years होंगे। इन ऑर्डर टू डिस्करेज रिटेशन ऑफ रेलवे क्वार्टर बियॉन्ड द परमिसेबल पीरियड द डैमेज रेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग एट टेलीस्कोपिक रेट टिल द वेकेशन ऑफ रेलवे क्वार्टर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 times ऑफ द डैमेज रेंट फॉर द फर्स्ट मंथ। तो हमारा जो ऑप्शन बी है 47B ये सही है। इसके लिए एक मैं पैराग्राफ आपके लिए पढ़ता हूँ, आप उसे देखें और सुने। द रेट ऑफ डैमेज फॉर अनऑथराइज ऑक्यूपेशन फॉर ईच टाइप ऑफ जनरल पूल रेसिडेंशियल एकोमोडेशन सेल इंक्रीज इन टेलीस्कोपिक मेथड फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स आईजी फॉर सेकेंड मंथ डैमेज ऑफ +10% ऑफ द रेट ऑफ डैमेजेस एंड द थर्ड मंथ डैमेज +20% ऑफ द रेट एंड फोर्थ मंथ इज +40% ऑफ द रेट ऑफ डैमेज एंड सो ऑन लिमिटिंग द मैक्सिमम 5 times ऑफ रेट ऑफ द डैमेज चार्जेस ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द अनऑथराइज ऑक्यूपेशन। तो जो बातें निकल के आती हैं वो है पहले महीने के लिए तो 5 times का वो उसने फाउंडेशन किया हुआ है फॉर द फर्स्ट मंथ के लिए 5 times का ये कर रखा है। ठीक है, सेकेंड मंथ से उनका स्टार्ट होता है, सेकेंड मंथ में 10% लगता है +10% और थर्ड मंथ में 20% लेकिन फोर्थ मंथ में 40% लगता है और इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। तो अगर नहीं समझ में आता है तो MC मास्टर सर्कुलर जो 49 है ये पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, तो आप जरूर पढ़ें उसे। क्वेश्चन नंबर हम 48 को देखते हैं। देर आर डैश सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑन रेलवे इन ऑन इंडियन रेलवे। जो ऑप्शन है जो है उसके हिसाब से 5, 6, 7, 8 तो पहले जो था वो 6 थे, अभी 8 हो गए हैं। ठीक है, जैसे पहला है नायर, ठीक है, फिर इरिसेन जो है वो पुणे है, सिविल इंजीनियरिंग जो है पुणे है, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो नासिक में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है क्या बोलते हैं उसको जमालपुर में है, थर्ड फोर्थ जो है वो इरिसेट है जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला जो है ये है सिकंदराबाद में, फिर EDTM यानी कि ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट जो है लखनऊ में है, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट जो अभी हाल में बड़ौदा में खुला गया है, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एकेडमी जो लखनऊ में है। तो टोटल 8 हैं। ठीक है, पहले आपने कहीं 6 पढ़ा है तो सॉरी फॉर देट, लेकिन जो अभी नेशनल रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट लखनऊ है उसको नहीं बड़ौदा है सॉरी उसको भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द राइट आंसर नेम ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन लोकेशन। तो देखिए EDTM जो है वो है हमारा लखनऊ में। ठीक है,
इडीएन जो है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, ये हमारा है नासिक में, राइट। इरिमी जो है वो जमालपुर में है, वेरी गुड। और इरिशियन यानी कि सिविल इंजीनियरिंग जो है पुणे है। इस हिसाब से जो हमारा बनता है एक का चार, एक का चार जो एक ही में है, तो हमारा जो ऑप्शन ए डी होगा यही सही आंसर है, ठीक है, देख लीजिए आप। ठीक है, आई होप कि हमने सही मैच किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, द कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुकी है और हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही ऑप्शन के आधार पे सॉल्व हमने कर लिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दो चार और देख लेते हैं, जब ये एक घंटे का वीडियो हो चुका है तो चलिए हम इसके 55 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, द रिसेंटली स्टार्टेड नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट ए डीम्ड यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट। तो लोकेटेड एट है तो आपको बता दूं कि ये रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा के एक हिस्से में बनाया गया है और ये बड़ौदा में ही है, ठीक है। और इसका मोटो है ज्ञानस्य अभ्यासम कुरु, ठीक है। एस्टेब्लिश हुआ था 5 सितंबर 2018 को, इसकी जो फाउंडेशन हुई थी मई जून में हुआ था, और जो इसके कुलाधिपति होते हैं वो सीआरबी होते हैं, जैसे कि अभी सुनीत शर्मा जी हैं सीआरबी, तो वो हैं। और कुलपति हैं श्रीमती अलका अरोड़ा मिश्रा, जो आईआरपीएस से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आई होप इतना काफी अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 पे देखते हैं, विच इज द ओल्डेस्ट जोन इन इंडियन रेलवे। तो देखिए जो वेस्टर्न रेलवे का जो जन्म हुआ था वो 5 नवंबर 1951 यानी कि 1951 में हुआ था, और इसके साथ अगर वेस्टर्न रेलवे का जो 5 नवंबर 1951 है तो सेंट्रल रेलवे का भी सेम ही है, इज दैट क्लियर। चलिए तो अब बच गए हैं हमारे दो ऑप्शन, साउथ सेंट्रल साउथर्न रेलवे एंड ईस्टर्न रेलवे। तो साउथर्न रेलवे हुआ था 14 अप्रैल को हुआ था 1951 में, तो आई होप कि जब नवंबर में इन दोनों का हो गया है तो उस हिसाब से साउथर्न रेलवे पुराना हो गया। लेकिन ईस्टर्न रेलवे को भी हम देख लेते हैं, ये जो हुआ था ये 14 अप्रैल 1952 को हुआ था। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन जो है वो साउथर्न रेलवे का है, क्योंकि ये 14 अप्रैल 1951 को हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं, ये काफी डीप क्वेश्चन है मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है आप कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन टर्म ऑफ मैनुअल ऑन पेंशन रेलवे पेंशन रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट सर्विस फॉर पेंशनरी बेनिफिट्स। ऑप्शन जो है उससे पहले हम इसके जो टर्म एंड कंडीशन है, पहला है इन पार्ट टाइम कैपेसिटी एंड बी दूसरा जो है एट कैजुअल मार्केट रेट्स। तो नहीं ली जाएंगे तो इसमें जो ऑप्शन ए और एक और दो दोनों ही है वो सही इस स्टेटमेंट को करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वन एंड टू इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इसलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं, 54 को देखते हैं सॉरी, क्वांटम नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस पेबल टू आईआरएमएस डॉक्टर्स आर। तो यहाँ पे जो है वो 20% का बेसिक पे है, ठीक है, और इसको लिमिट कर दिया गया है 2,37,500 रुपीज। ये आरबी नंबर जो है वो 82 बाई 2017 है, ठीक है 2017। तो ये आप इसको देख सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 55 लास्ट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए द अमाउंट ऑफ पेंशन ऑफ ए पेंशनर हु हैज कंप्लीट 90 ईयर्स बट हैज नॉट कंप्लीटेड 95 ईयर्स ऑफ द एज विल बी इंक्रीज्ड बाय। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा वो 40% हो जाएगा ऑफ द बेसिक, ठीक है।
देखिए इसको याद करना जरूरी है, और स्टार्ट कहाँ से होता है उसको देख लेते हैं। जो 80 से 85 में होते हैं वो 20% मिलते हैं उनको, 85 से 90 जो है वो 30% है, और 90 से 95 में 40% है, 95 से 100 के बीच में जो है 50% है, और 100 वर्ष और उससे अधिक के लिए 100% है। तो आप नीचे से ले लें या ऊपर से ले लें, यानी कि 80 से ले लें या फिर 100 से ले लें, तो फिर आपको इजी रहेगा। आप 100 से नीचे की तरफ जाते हैं तो 100 से फिर 50 हो जाएगा, 50 के बाद फिर 10-10% आप घटाते चले जाएं, तो 80 एंड 85 के लिए 20% हो जाएगा। तो आई होप कि हमने ये काफी सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद इसको कंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, रेलवे एम्प्लॉय हु हैज बीन सेंक्शन कंपनसेट अलाउंस में कम्यूट मैक्सिमम डैश ऑफ हिज सेंक्शन कंपनसेट अलाउंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा ना, 40% ये होगा। यहाँ पे मैं आपसे ध्यान देने के लिए बात कहूंगा कि ये जो कंपनसेट अलाउंस है ना, वो जो अथॉरिटी होती है वो 2/3 तक उसको मैक्सिमाइज कर सकती है। ठीक है, अब कॉम्पिटिशन के लिए कहीं भी ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया कि कंपनसेट अलाउंस वाला ले सकता है या नहीं ले सकता है या कितना ले सकता है। ठीक है, तो मैं अपने अपने एक्सपीरियंस या अपने नॉलेज के आधार पर ये कहता हूँ कि उसके अंदर यही कहा गया है कि जो पेंशन ले सकते हैं उसका 40% वो कॉम्यूट करा सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो और मेरे आंसर पे आप भरोसा कर सकते हैं। और इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन ये हो तो फिर आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। और पहले भी इसमें मैंने बता दिया है, ये काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है और 110 क्वेश्चन थे जिसमें से हमने 56 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। 57 नंबर जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोगों के ये वीडियो अच्छा लगता है और आप इसे 100 लाइक्स तक पहुंचाते हैं तो मैं इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। मैंने इसके जो क्वेश्चन पेपर है उसको पूरी को पूरा आपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो वहाँ जाएँ, सॉल्व करें, समझें और बताएं कि ये क्वेश्चन का सॉल्व कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने इस वीडियो को 100 लाइक तक पहुंचाया तो इसके पार्ट टू को लेकर आऊंगा, अदरवाइज यहीं पे इनको कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।